की फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। कैसे? टाइम आप रेस्ट करो। आदि, कुछ भी अज्यूम मत करो। काव्या से जो कहना चाहते हो वो कह दो, वरना बाद में सिर्फ पछताओगे। अरे बहुत हिचकिचा रही थी, लेकिन विक्की ने फोन करके बताया। विक्की ने? कुछ तो ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी राजकुमार के लिए हाँ कर दिया उसने। अरे दिल का राजा है वो अंजलि जी, बस अब जल्दी से रोका हो जाए, है ना? पापा, बस एक बात और। हाँ बच्चा। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारा काम है, उस आदमी को पकड़ना है जिसने हमारे बच्चे की जान ली थी, उन्हें पकड़ना है जिन्होंने वो नकली दवाइयां बनाई थी जिसकी वजह से 803 औरतों ने अपने बच्चे को खोया। हम बस ये कहना चाहते हैं कि इस सब के बीच में हमें कोई रस्म कोई फंक्शन नहीं करना है। अमिता, जब तू कहेगी तभी होगा। रुक, मैडम इस वाले पेपर पे। ये सारे पेपर्स चेंज करवाओ, नए पेपर्स बनवाओ, बैक डेट पर नोटराइज करवाओ, लैंड डिपार्टमेंट की सील लगवाओ। ये लगना चाहिए कि नकली दवाइयों की फैक्ट्री गिरिराज प्रधान ही चला रहा था। गिरिराज प्रधान जी? पर वो तो आपके साथ। गिरिराज प्रधान जैसे लोग किसी के साथ नहीं होते। तुमने मेरी वो फिल्म देखी है, मैं डायन तेरे आंगन की? हाँ, हाल में तो 3 बार, मोबाइल में तो न जाने कितनी बार। मैडम उसमें वो जमींदार याद है? गिरिराज प्रधान वही जमींदार है। मौका पड़ने पर वो सबसे पहले गाड़ी के नीचे हमें ही धकेलेगा, और ये मौका हम उसे कभी नहीं देंगे। अगर कोई भी उंगली उठेगी तो वो गिरिराज प्रधान की तरफ, हमारी तरफ। हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं। ये तो पता नहीं कर पाए कि नकली दवाइयां कौन बना रहा था, पर वो जहां बन रही थी उस जगह के मालिक का तो कच्चा चिट्ठा निकालो काव्या मैडम। विकी, हम ऑफिस जाने से पहले एक बार सबलपुर रोड के गोडाउन में जा रहे हैं जहाँ पे हमने छापा पड़वाया था। तुम्हें जैसे ही मैसेज मिले हमें कॉल कर। ओए खोतिया उठ जा, कोई मिलने आया तेनू, मैं ठंडा लेके आनी हूँ। क्या हो मैं उस्ताद, सुबह सुबह मेरे घर पे क्यों या? वो हम इन्हें स्कूल लेकर जा रहे थे, इन्होंने कहा यहाँ आना है, कोई जरूरी काम है। तुम जाओ। काव्या का कमरा कौन सा होगा? है? शादी करने वाले हो ना, कहाँ रखोगे उसे? मैडम यहाँ क्यों रहेंगी भाई? ओ मैं मैडम के बंगले में रहूंगा ना, वो सरकारी बंगला है, इस घर के जैसे तो 6 कमरे हैं, अपनी तो मौज है। तुम कावे के घर रहोगे? कमाओगे कैसे? साड़ी सिर्फ कमाई नहीं होगी, ऊपर की कमाई होगी, नहीं समझे? वो किसी को भी मैडम से मिलना होगा ना, पहले उसे मेरी जेब गर्म करनी होगी। मैं ही तो टिकट काटूंगा काव्या बंसल से मिल।
IAS काव्या बंसल कौशल से मिलने के लिए। तुम मैं काव्या के लायक नहीं हूँ। अच्छा? तो फिर कौन है मैडम के लायक? मेरा चैन, आदि राज प्रधान। मिस फॉर ईच अदर, समझते हो ना? मेरी मम्मी पापा ने मुझे आदि और काव्या की लव स्टोरी बताई थी। सुनोगे तो पता लगेगा। अच्छा, हमें भी सुनाओ। कितना टाइम है तुम्हारे पास? उस्ताद, अपने पास तो टाइम ही टाइम है। तो सुनो। हाँ मैडम। एक बात बताओ, जब सबलपुर रोड के गोडाउन में छापा पड़ा था तो यहाँ के ओनर का सीमा चौधरी से कोई कनेक्शन निकला था? तो जब पहले देखा था तभी मदद क्यों नहीं की? प्यून है ना, आप इसी काम की तनख्वाह लेते हैं ना? वो हम बोलने वाले थे मैडम, हमें लगा शायद आप छुपाना चाहते हैं जो फाइल में, इसलिए हमने नहीं बोला। आप तो बहुत समझदार है, पुलिस में क्यों नहीं गए? आप मजाक कर रही हैं मैडम। बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोलने वालों के साथ हम मजाक नहीं करते। या तो सच उगलवाते हैं या फिर नौकरी से निकलवा देते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे मैडम, वो बस हमने ऐसे ही पूछ लिया, सॉरी मैडम। चाय ले आइए हमारे लिए। जी। ने देख लिया है। हाँ, भिजवा देंगे। ठीक। जैन नेता जी। जैन, क्या खबर? काव्या मैडम रिकॉर्ड रूम से कुछ फाइलें तो लाई थी, अभी उन्हीं को देख रही है वो। कौन सी फाइल? वो तो हम देख नहीं पाए साहब, उनको शक हो गया हम पे। गधे के बच्चे हो तुम, एक काम सौंपा था वो भी, नौकरी चाहिए कि नहीं? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिएगा, उधर काव्या मैडम भी यही धमकी दे रही थी। हम फिर से कोशिश करेंगे साहब, उन्होंने चाय मंगवाई है, जब हम चाय लेके जाएंगे तो फाइल देख के बताएंगे आपको। जब कोई खबर लाएगा ना तब हमारे पास आना। निकलो यहां से। जी साहब। काव्या कौन सी फाइल देख रही है? मैं गिरिराज प्रधान जी के केबिन में क्या कर रहा था? कौन सी फाइल है? मैडम के टेबल पे क्या कर रहे हो तुम? बस साहब, ये चाय। चाय? जी। लेके जाओ, फाइलों में झांकने की क्या जरूरत है? वो साहब, हमारे गले का चैन कहीं गिर गया है, वही ढूंढ रहे थे। फाइल में? जी साहब। मिल गई चैन? नहीं साहब। क्या है सर? जी वो सब आपकी चाय। पहले अपनी गाड़ी एक साइकिल वाले को दे दी, अब क्या अपना कमरा भी किसी चपरासी को दे दिया? काव्या भी प्यूनों में सही नहीं लग रहा, टेढ़ा बंदा है ये, इस पे नजर रखनी होगी। टेढ़ा तो है ही, तुम्हारे पापा का खबरी जो है। पापा का खबरी? तुम्हें कैसे पता है? जब हमारी पहली बार सचिवालय में पोस्टिंग हुई थी ना, तभी प्यून तुम्हारे साथ थे और उसके बाद हमारे साथ, लेकिन आज हमने इसे तुम्हारे पापा के केबिन में जाते हुए देखा। देखो आदि, हम जानते हैं कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो इस मामले की तह तक पहुंचने, लेकिन आदि एक बात याद रखना कि तुम्हारे पापा और सीमा ने साथ मिलकर पहले भी कई कांड किए हैं, तो जब इस मामले का खुलासा होगा, अगर सीमा चौधरी के साथ साथ गिरिराज प्रधान का नाम भी सामने आए तो
हैरान मत होना। कौन आया है सोनू? माँ जी, वो काव्या भाभी जी की मम्मी जी आई हुई है। अरे अंजलि, आ नमस्ते मालिनी जी। नमस्ते। ये कुछ फल लेके आए थे, सोचा आपको ताकत की जरूरत है। थैंक यू। सोनू जरा चाय लेकर आना। हम आओ ना अंजलि। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? सब होने जा रहे हैं मालिनी जी, काव्या के पापा उसके रोके की बात कर रहे हैं उस लड़के से। क्या? वो वही लड़का जो? हाँ वही विक्की। काव्या के पापा ने उसकी बेबी को बुलाया था दोनों का रिश्ता तय करने के लिए। रिश्ता पक्का कर लिया क्या? नहीं मालिनी जी, काव्या ने मना कर दिया, लेकिन दोनों पापा बेटी में ना बहुत बहस हुई और ये तो काव्या को घर से निकाल रहे थे। तो फिर? उस वक्त काव्या गुस्से में घर से चली गई और कुछ देर बाद जब वापस लौटी उसका गुस्सा शांत हो गया तो वो कहने लगी कि क्या कहा काव्या ने? कि वो विक्की से शादी के बारे में सोचेगी। हमें कुछ करना होगा मालिनी जी, वरना ये अनर्थ हो जाएगा। हम भी एक औरत हैं, हम समझते हैं कि आपने हमें जो खत लिखा उसमें आपकी कोई तो मजबूरी रही होगी, वरना ऐसा खत हमें कभी नहीं लिखती। जहां तक हमारी समझ है, हम जानते हैं कि आप गिरी भाई साहब की वजह से चुप हैं। आप उनके डर में चुप हैं या उनके लिहाज से, ये हम नहीं जानते, मगर हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बच्चों के बारे में सोचिए मालिनी जी। हमारे बच्चों की खुशी तो माँ की सबसे बड़ी खुशी होती है ना। अंजलि प्लीज, मैं समझती हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।